खबर उत्तर प्रदेश के जहांगीर भारती से है, जहां लापता बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा के पास मिला। मामला बिजनौर थाना कोतवाली का है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं एसपी दिनेश सिंह ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मंगनी का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान अचानक बच्चा लापता हो गया। बहुत तलाशने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद बच्चे का शव गंगा के पास पड़ा मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। थाना कोतवाली नगर के चौकी बिदुरगंज क्षेत्र में कश्यप मोहल्ले के पीछे वन विभाग की जमीन पर जहां झाड़ियां हैं, वहां एक बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, मुंह से उसके झाग आ रही थी। यह तथ्य संज्ञान में आया कि बीती रात 10 बजे वह बच्चा खेलने के लिए और बच्चों के साथ गया था, घर पे नहीं लौटा।